ढोरबा किया तू दुनू परानी मन उदास कर के बैसल छ किया बैसल छ। देख बेटा हर माय बाप बाल बच्चा के खाली जन्म दे छे, अपन अपन कर्म से अपन अपन भाग से आगा बढ़े छे। कोई बाल बच्चा अफसर बन जाए छे आ कोई फल बेचत रह जाए छे। हम तो चाहे चलाऊं कि दुनू भैयारी जते सम्मिलित रह जते मिलजुल के रह उतने बढ़िया। हम की जाने के लिए कि हमारे छोटका बेटा एहन काज करते। एक न एक दिन हमरे दुनू परानी के भाई भौजाई के सबके छोड़ के चल जाते। हम की जाने के लिए ते दुआरे कह बउआ अमे हमार कोनो दोस्त नहीं छ अमे हमार कोनो दोस्त तोरा दुनू परानी के हो जाता कि माय बाप सिखा देने हेतु मंगला के अत से चल जाए। लेकिन हम सब नहीं सीख लिया। हम किया सीखेबे बउआ हम तो चाहे चलिए जते मिलल जुलल रहता सब भाई भैयारी ओते निक रहता। की कहे छ बेटा हमरा माफ कर दिया। मैं हम कहाँ कहे कि तोर दोस्त हो। ई दोस्त तो इस समय के है, इस समय के ही दोस्त है। ये समय में कोई आदमी केकरो ले कतनो कह दे है तो बाद में जाकर जे आदमी के अपने रूप सामने आइए जाए का सह भले मंगला के सह भले मंगला के कि अपन रूप देखाइए दल। खैर वही बात के हमारा चिंता नहीं करे के हम जेह काज करे तरकारिये बेचे छी तो वह तरकारी बेच के दोनों पर हम गुजर बसर कर ले। लेकिन केकरो हम जे गोर लागे नहीं जेबे ओकरा किस्मत में सोने के रोटी लिखल है सोने रोटी खेते हमरा किस्मत में गहूम के रोटी है तो गहूम रोटी खाए रहे थी ओकरा जिना जिना मन करे तेना तेना करे दी नौकरी भ गेलै ना तो खूब कूद के दी आ खूब उछाल मारे दी। डार्लिंग हाँ डार्लिंग कहाँ मुझे झोपड़पट्टी में लेकर आ गए हो। अरे डार्लिंग इसी जगह ना है मेरा पुराना घर। अच्छा हाँ तो बोले कि से यहाँ से जमीन जत्था बेच कर फिर चले जाएंगे ना। हाँ सब कुछ तो डील हो ही चुका है बस यहाँ हम सबको समझा बुझा देते हैं। अपना आधा का जो हिस्सा है सीना सब से बात करिए लिए है उसको कहेंगे कि खाली करवा के जेसीबी से ढावा देगा। बहुत गर्मी है और मैं ज्यादा देर सन में रहूंगी तो मुझे खुजली होने लगता है इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं रह सकती हूँ। ड्राइवर साहब जी सर बोलिए गाड़ी का एसी चालू रखिएगा। हाँ सर चालू रहेगा। हाँ आओ आओ डार्लिंग आ जाओ बोले डार्लिंग। हाँ हाथ पकड़ कर खींचिए ना। आओ ना आओ ना डार्लिंग। हाँ डार्लिंग देखो यही मेरा गाँव है। अच्छा यही आपका गाँव है। ये मेरा घर हुआ। कैसे झोपड़पट्टी में आप रहते हो छी। अरे रहते थे लेकिन अब तो हम लोग फ्लाइट में रहते हैं ना। की भेल नहीं जिए। अरे किछ नहीं हैत अहाँ के बुझलौ अखन दवाई खेलौ ना कनी काल आराम करियौ अहाँके सब ठीक भ जाए। सब ठीक भ जाए आओ। देखो यही मेरा घर हुआ है। ये मेरी माँ हुआ ये मेरे बाबू जी हुआ। अच्छा एला बेटा। हाँ बउआ मंगला बउआ केना याद पड़लो माय बाप से एला हम घूम के फिर। याद नहीं लही तू सब बस एक कुछ काम छले तै द्वारा हम एलियो हम। आई के है रे बउआ ई छोड़ के है ई के है। अरे ई हमर बउ भेले यानी तोर पुतौ भेलो यानी कि तू बियाह कर लेली। हाँ हम बियाह कर लेली। अरे बेटा रे बियाह केला तो एको बेर मैयो बाप से ने पूछली ब्याह बउ जाय चला गार्जियन ओकरो से ने पूछला तू आ अपना मम से ब्याह तू कर ले। मैं एक्चुअली बाते एहन छले सिचुएशन एहन छले ना जे केकरो ने हम पूछ पेलियो आइ के लेल हम सॉरी चाहै छियो क्षमा चाहै छियो। अरे क्यान बागला कसैया क्यान बागला एक नंबर के तू कसाय छ सही में तू माय बाप के सब के त्याग के अपन डार्लिंग जे मन से करे ये पुड़िया काहे ना इतना बकर बकर कर रही है। जो काम से आए हो वो काम जल्दी कंप्लीट कीजिए ना। अच्छा कि बाप मर रहा है मन बाप के तोरा एको रति चिंता नहीं छ ना। अरे बापू मर रहा है मरले हने ना जइया मार तो तैया कफल ला पैसा भेज देबो भ गेले बात खत्म। आ सुन ना उनाई तो हमरा लेट भर हम जल्दी बाजी में छियो कहले कि हमर जे आधा के हिस्सा है ना बुझली एकटा घर खाली करवा दी तू। घर खाली करवा दिए। हां ओ बात जे हमरा तू कह जा ऊ त भाई के ने कभी। भैया हो कन कहां घर में दुनो पर आराम कर। भैया की हम अपना बोझ। भैया मंगला बुआ। हां मंगला बुआ। हां
बताओ बुआ? हम ठीक छी भौजी। कोना कोना आवे के भेले, आनो बैठो ना, अते बैठो माला। भाई सब ने हमरा पास ओते समय नहीं है, बुझले भैया के बाजब। हां भाई के अतबो समय नहीं है। जे अपनो से मिले ला आवे। ओ मंगला। चली चाय बना लियो दली। ना ना चाय भी के जरूरी नहीं है, हम सब चाय नहीं पिए छी। अब आदत भ गेल कॉफी पिए। डार्लिंग। हां बोलो ना। क्या बात सब हो रहा है, जल्दी कंप्लीट कीजिए ना। अरे कर रहे डार्लिंग, तू बर्दाश्त करो ना। कर रहे हैं भैया। हां हम ही बात करे लाए छियै कि एकटा घर खाली तू कह दह। घर खाली कर दियो। हां आइ द्वारे कि हम सिन्हा जी से बात कर लें छियै, 5 लाख रुपया ल लें छियै, जे हमर आधा के हिस्सा है ना उ खाली कह दह। उ जेसीबी लके एते बस सबके ढाई ढाई मार देते, तोड़ देते। रह गेले बात खेत पथार के, तो वो हम कहियो या नापी जोखी करा के वो हम खेतो पथार में आधा आधा हम बंटवा लें। मंगला ई तू की बाज रहल छ, ई तू की बाज रहल छ का आई ई की बाज रहल छ? हम कुछ समझ लियो ने बा। अरे हमर हक हिस्सा के जे जमीन है, जे जायत है से हम ल सके छ, हमरा अधिकार है कि नहीं? लेके यो बुआ अधिकार है के पूरा या, लेकिन ई के घर घर बेच देबे अनि के आहा त कहियो नहीं रहबा है। एता हम नहीं रहबे, एता हमरे की करब? अपन मां बाप के छोड़ के ब्याह हो जाए के छोड़ के आहा की किया रहल छ बाहर में? हम सब आहा के कोई ना है। अरे आहे खातिर की कि ना हम दुरु पर निकलो, कते मेहनत केलो, कते पढ़ाई लो लिखलो, आ के नौकरी चाकरी भेला, जब नौकरी चाकरी भेला त हमरे सब के बिसर गेलो। हां भौजी समय के साथ, समय के साथ सब के चेंज होई पड़े है, बुझली ना। अनहे तो हम बीता हुआ बात के याद नहीं करै छियै, जे बीत गेले से बीत गेले, अब हमरा भविष्य में की करे के नहीं करे के ओई बात पर हमरा विचार करे के सोचे के है। हां हां बुझली ना। केना ने तू चेंज होबी, रुपैया जे भ गेलो ह, नौकरी जे करै छ, हाने की पैसा के आगु में हमरा सके कोई भालू नहीं छे ना, पैसा के आगु में हमरा सके कोई भालू नहीं स्थान आता, कोई अथी नहीं रखे छे। भौजी हमरा पास होते टाइम नहीं, बुझले, जल्दी घर खाली करू। वहां हो रे, अब घर खाली करे के बात नहीं कर। अब केना टाइम रहतो तोरा सबके? आय आय रो उ दिन बिसर गेला जे तोरा भाई भौजाई एते केल को, ओई भाई भौजाई के बिसर गेला, तरकारी बेच के तोरा एते पढ़ेल को निकल को, अरे वो नौकरी होई के मातर तू भाई बजाय के मैं बाप के सब के बम आ जाती है एक दला। ए औरत अब घर गलानी के पे पर सुन रही हूं सबका, और ये गुड़िया तो भटर भटर बोल रही है, और तू समय के अनुसार ना सबको चेंज होना पड़ता है, इसलिए समय आने पर मेरा हस्बैंड भी भूल गया। हां तो इसमें कौन सा रोना धोना वाला बात है, और इतना बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं आप लोग? नहीं मैं कुछ बोल रही हूं उसका मतलब क्या, मेरे हस्बैंड का आप लोग बेइज्जती कीजिएगा। ठीक है, तोरा सब से हमरा कोई मतलब नहीं है, तू नहीं बेचे देबी तो हम कोर्ट कचहरी प्रशासन से कोर्ट से हम लड़ के जमीन हफ्तिया लेबे। सही बात बुझली ना। खबरदार मतलब जकर बाद प्रशासन घर में ढुकतो आ सब के डंटा मारता आ घर से निकालतो तब फिर तू हमरा के कहियो। चलिए बुझली ना। हां हां ठीक है, कुछ बात रहो ना मंगला बाबा, नहीं जाबे। चलिए ना डार्लिंग, इन लोगों का बकवास सुनने से क्या फायदा, जो इंसान को इज्जत नहीं करना आता है वो इंसान के पास रहने से क्या फायदा, और ना मुझे इस घर में रहना है और ना तुम लोगों के साथ रहना है, घटिया और सब घटिया बुढ़िया और घटिया मर्द। चलो ना डार्लिंग चलो ना। अपना घर में यह न होते जेकरा आते मान दान करो, जेकरा खातिर पूरा दुनिया के खुशियन को ओकरा कदम में दो, वह इंसान एक दिन छर खाते दूर चल जे, कहीं उन्हें सोचने चलो। नमस्कार प्रणाम दर्शक बंधु, हम दीपक देवाना, क्या लागल अपने के वीडियो जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। दर्शक बंधु सबसे पहले अपने लोगों के कह चाहे कि अगर हमारे सबके वीडियो पसंद अब तो अहाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कैल करूँ, सब्सक्राइब करे तो इसमें बेल आइकन ऑन कैल करूँ और साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कैल करूँ, नोटिफिकेशन ऑन कैला से हेतु सब वीडियो अहाँ सबके पास जेते देख लिये। आई काल्हि में समाज में केहन केहन चीज सब हो रहा है, आई काल्हि के समाज में एहनो एहनो भय है कि दोसर भय के साथ छलबाजी करे, लेकिन एहन कखनो नहीं होबाक चाहिए। जब एक भाई अहाँ के मदद करे, पढ़ाबे लिखाबे, एते आगा बढ़बे, बाप के तरह मनैया, तो अहाँ के कर्तव्य की बनैये कि कल जाकर अगर अहाँ के नौकरी चाकरी होइए तो अहूँ वही भाई के मदद करूँ, बल्कि ये नहीं कि अपन हाथ झाड़ के ओतो से निकल जाओ, एहन कखनो नहीं करबाक चाहिए। कहै छै जे हिल मिल के पूरा परिवार साथ में मिलकर रहबाक चाहिए। तो दर्शक बंधु इहे तरह के मोटिवेशनल कहानी देखबाक लेल हमर सबके यूट्यूब चैनल AM फिल्म प्रोडक्शन के अपने सब सब्सक्राइब करब, फेसबुक पेज मैथिली कॉमेडी ढोरबा एकरा अपने सब फॉलो करब, और रोज नया नया वीडियो देखते रहब। इहे के साथ फिर नया वीडियो लऽ के मिलब। जय मिथिला, जय मैथिली।